अहमदाबाद के बहरामपुरा वार्ड के पार्षद तस्लीम आलम बावा, पार्षद इकबाल शेख, जफर अजमेरी, अन्य साथी और महिलाओं ने किया घेरा। अहमदाबाद मणिनगर नगर निगम का बहरामपुरा वार्ड में बारिश का पानी गटर में ना जाते हुए लोगों के घरों में पानी भर जाता। कई बार अधिकारी से बात की लेकिन समस्या का कोई निकाल ना कर पाने की वजह से हल्ला बोल करना पड़ रहा है। यह है गुजरात मॉडल, आम जनता को परेशान कर रहे हैं सरकार बाबू, किया इन सरकारी बाबू पर सरकार किया करेंगी, यही हाल वटवा का है, जिसके लिए पार्षद इकबाल शेख ने वटवा के लिए आवाज उठाई। अब देखना यह है कि सरकारी बाबू अपना काम करते हैं या आम जनता को और हलाबोल करना पड़ेगा। उच्च अधिकारी का कहना है कि एक महीने में काम हो जाएगा। बीबीसी लाइव के लिए शेख मोहम्मद रशीद की रिपोर्ट। मेरे जो कार्यकर्ता है और वार्ड में जो जिसके घर में पानी भरा गया है, और तो लोग बेचारा खाना पकाने भी उनको पानी भरा तो खाना पका नहीं सकते, ऐसी पोजिशन है इनके। ये लोग सुबह मेरे घर पे आए और 100 से 200 पब्लिक मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा कि बाबू साहब मेरे घर में खाना पकाने का भी वो नहीं है, तो उनके घर में गंदा पानी और गंदा जो पानी इनके घर में घुस गया है। आज सुधी कोई अधिकारी कोई आया नहीं कॉरपोरेशन का, और हमारे जो विस्तार में बहरामपुर में एजाज नगर, गोसाजी मस्जिद और गणेश मस्जिद और गुलमोर और सालम नगर, हमारे सब घरों में पानी घुस गया है। और इन्होंने बेचारे औरतों लोग कब तक सहन करे, दो महीने से अधिकारियों को हम बोलते रहे कि भाई यहाँ पानी भरा गया, पर कोई सुनता नहीं था। तो आज हम यहाँ से जब औरतों लोगों 100-200 इंसान हम यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर जो बीसी परमार साहब को मिलने आए, उन्होंने खातरी दी कि हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जब बारिश हुई थी उस वक्त आप लोगों ने फूड पैकेट का इंतजाम किया था, किस तरीके से था और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियाँ उसको कैसे देख रहे हैं? कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी कोई नहीं, अधिकारी कोई आया नहीं, हम लोग ने मैंने खुद ने यानी हमारे जो कार्यकर्ता और टीम और सब मिलकर हमने घर घर में खाना पहुँचाया, और उनको हमने कुछ भी काम हो तो हमारे रात को आधी रात को फ़ोन नंबर दिया, इनके सब फ़ोन आते ही है मेरे ऊपर कि बाबा साहब ये तकलीफ है, ये तकलीफ, तो मैं काम कर देता था। वो छले छले अधिकारियों ने बहुत तकलीफ में हमको डाल दिया, कोई फ़ोन फॉलोअप काम होता नहीं था। और इनके घर में आज की तारीख में ये लगभग में 20-25 साल से ये गटर का पानी इनके घर में घुसता है, और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी नमाज वो लोग पढ़ नहीं सकते, नापाक चीज़ हो सकता है, तो मस्जिद में भी इंसान बहुत कम होते हैं। और ये लोग औरतों लोग ने सब आए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने जो काम अच्छा करा तो इनके अल्लाह से ये लोग फॉलोअप करेंगे। मैंने एक लेटर पेड में मैंने लिख के दिया है और वो काम करना शुरू कर देंगे कल से, अधिकारियों को कल से होटल बॉम्बे होटल में भेजेंगे इंशाल्लाह। उसके वजह यह है कि ये लोग DMC और AMC और अधिकारी वो सब डर गए, क्योंकि बॉम्बे होटल से वो वटवा ने ये लोग सब मिलकर आज हमारा तोड़म तोड़ी करेंगे, क्योंकि हम सब कंटाल गए हैं, सब औरतों लोग घर में पानिया बहुत घुस गया है, और वो भी गटर का पानी, बच्चे लोग बीमार हो गए और बच्चे लोग हॉस्पिटल में दाखिल है, डेंगू हो गया, तो उसके वजह से हम यहाँ आए। उनको कहीं खबर पड़ गई कि ये लोग 200-300 आदमी लेके आएंगे, तो उसके लिए उनको घबराहट चालू हो गया, ये लोग ने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक केस आ गया कि हमारे कल में 7-8 बरस की लड़की भी इंतकाल कर गई में चली गई, तात्कालिक गंदगी और वहाँ कोई ध्यान देता नहीं, बाजरू भरेला है, पानी भरेला है, इंसान जाए कहाँ, जमीन में से पानी निकलता है, बोलो क्या करें, हालत है, पानी खर्चा आता है, बहुत गर्मी है,
नहीं सकते, दिन में 300 दे नहीं सकते। अच्छा, मच्छर है, मक्खियाँ हैं।